तो ये हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ऋषिकेश। ये गुड्डू मेरे साथ बैठी है। हेलो बोल दो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, हेलो 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 बोल दो। तो ये हम आ गए हैं, ये अभी हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और अभी ये लोग होटल देखने जाएंगे। इतने हम कुछ खाएंगे। ध्रुव साइड हो, गाड़ी आ रही है, तो राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं। ध्रुव साइड हो बच्चे। तो अब हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश और अब मैं आपको दिखाऊंगी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू, जिसको देख के आप लोगों का खुद भी दिल खुश होने वाला है। तो अब देखिए व्यू, ये देखिए, ये हमारे रूम से व्यू है, ये पूरा। और ये जो दिख रहा है, ये वाला, ये है राम झूला, लक्ष्मण झूला, राम झूला। तो ये है हमारा व्यू और अभी होगा। और ये, और इसका साउंड भी बहुत क्लियर है। ये देखो रिवर राफ्टिंग हो रही है। तो ये हम अभी घाट पे जा रहे हैं और ये देख लो यहाँ पे ये ऐसी शॉप्स बनी हुई है, रुद्राक्ष वगैरह की, स्टोन वगैरह की। तो क्या, हाँ ये रहे हैं जी जी, वही ये देखो इतनी ज़्यादा हैवी सीढ़ियाँ यहाँ पे, और हमें ऐसी 50 सीढ़ियाँ उतरनी है, घुटने टूट जाएंगे मुझे लग रहा है घर जाते जाते तो। है गुड्डू, घुटने टूट जाएंगे हमारे घुटने। हाँ ऐसे हजले हो, हाँ आपको क्या फर्क पड़ रहा है। आपको तो मजे आ रहे हैं। अरे मैया भाई, ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ ही है, घुटनों पे प्रेशर सा पड़ रहा है। आई भैया जय बोले की झूला आगे है। हाँ ये पार्किंग है लक्ष्मण झूला की। तो ये हम लक्ष्मण झूला के यहाँ पे रोड पे घूमते हुए। तो दादा है नहीं कि मोमो स्प्रिंग रोल बनाए, बोर्ड पे लगा रखा है मोमो स्प्रिंग। क्या हुआ, थोड़ा चा तो ये फाइनली हम गंगा किनारे भी आ गए हैं। बहुत बहुत ठंडा पानी है। ये चप्पल उतार के आना। जय हो गंगा मैया। और ये है हमारा लक्ष्मण झूला। क्या नज़ारा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए बोटिंग भी हो रही है यहाँ पे। हर हर गंगे, ये पूरा नज़ारा देख लो। हर हर गंगे बोल दो। हर हर गंगे, हर हर गंगे। बस नहा नहीं रहा क्यों, बस हो गई, हो गई बस इतने में। ये लड़का इतने जिद करके लाया मुझे नहाना है नहाना है नहाना है, ठंडे पानी को देख के बस नहीं नहाना। और अभी थोड़ी देर में आरती भी स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे। देखिए
तो हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:30 और ये हम अपने रूम के बाहर बैठे हुए हैं और रात का व्यू इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम लोग सब डिनर कर रहे थे यहाँ पे। और ये देख लो, ये रहा पानी पूरा और ये रहा हमारा रात का व्यू लक्ष्मण झूला का। सब खाता, चाइनी वाइनी सब खाता था। तो बहुत अच्छा और बहुत गुड वाइब्स आ रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गुड वाइब्स आ रही है। मतलब आप रिलैक्स फील करते हैं ऐसी जगह पे आके, ना एक रिलैक्सेशन क्या होता है, आप ऐसी जगह पे आके फील करते हैं। और बाकी शाम को तो हम उधर की साइड गए थे, अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है तो दिखेगा नहीं। और बाकी मैं कोशिश करूँगी कि सुबह मैं जल्दी उठूं और सुबह के टाइम पे शायद मैं गंगा किनारे जा पाऊं। तो आई होप सो कि ये हो पाए। और अब ये तो चीज़ कल ही पता लगेगी कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अब आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, करेंगे तो बाय। हर हर गंगे। सूरज चाचा यहाँ से आएंगे और 1 घंटा हो गया मुझे वेट करते हुए, बट अभी तक तो आए नहीं है क्योंकि पहाड़ है। तो ये गुड मॉर्निंग हर हर गंगे। एक्चुअली में मैंने रात को जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी, टेरिस पे आई बट अभी आए नहीं है सन, यहाँ से चारों तरफ का दिख रहा है। और सच बताऊँ ना, कल जितनी गर्मी थी ना यहाँ पे दिन में, अभी उतनी ही ठंड है। मैंने स्पेशली ऊपर का पहन के आई हूँ बट फिर भी मेरे को बहुत ठंड लग रही है, बहुत तेज़ हवा है और बहुत ठंडी हवा है। अभी मैंने मुंह तक नहीं धोया, मतलब फेस वॉश भी नहीं किया, मैं सीधा उठ के पहले आई हूँ। मैंने तो प्रॉमिस नहीं तोड़ना, एक प्रॉमिस वहाँ पर जाने का किया था, तो मैं अकेले तो नहीं जा पाऊंगी क्योंकि सब सो रहे हैं अभी, तो वो तो मैं फिर बाद में जा पाऊंगी। तो यहीं से दिखाऊंगी। और सच में बहुत ठंड लग रही है और सन, बट यहाँ पे चारों तरफ ना पहाड़ है, तो मुझे लगता नहीं है मैं सुबह सुबह का सन दिखा पाऊंगी। अगर वहाँ से निकलता होता तो ज़रूर देख पाते। बाकी बस जन्नत यही है, बस ये अपना घर हो और सुबह आग खुलते ही हमें यहाँ के दर्शन हो, ये यहाँ के पूरा इतना बढ़िया लगेगा ना। बस बहुत ठंड है, से पहले हरिद्वार का प्लान तो बन रहा है। और मैंने कहा अभी तक हम हरिद्वार में स्टे करेंगे बट हमने ऋषिकेश में स्टे कर लिया, तो बट यहाँ पे भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी लोकेशन पे हमको होटल मिल गया, बहुत अच्छा रहा। ये बंदर किसी का टॉवल भी ले गया, इनफैक्ट किचन वगैरह सब में घुस गए हैं। वो देखो अंदर किचन में एक बंदर, जो भी इनको मिलेगा
एक बोरा बोरा किचन में, पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं, ये आया बाहर निकल के बैठे हुए। ये है राजा जी नेशनल पार्क, तो नहीं खुले हुए ना, देहरादून अंदर है। कितना अच्छा व्यू है, ये पूरा जंगल है साइड में, यहाँ पे हाथी वगैरह आ जाते हैं। हरिद्वार जाते जाते एक बहुत सुंदर रास्ते पे हम लोग रुके हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ की है। ये देखो बच्चे भी देखते जा रहे हैं, गरम ध्रुव। ध्रुव कैसा लग रहा है? तो ये घर जाते हुए हमारा लास्ट स्टॉपेज है, अब इसके बाद सीधा घर, और बहुत अच्छा ट्रिप था। और अभी हम लोग गंगा जी में नहा के आए हैं, इतना अच्छा लगा ना। एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपना फ़ोन लेके नहीं गई थी, बैटरी थोड़ा सा लो थी और मेमोरी भी थोड़ा सा फुल हो गई थी, तो इसीलिए। तो अब आपको सारे ब्लॉग कैसे लगे बताना, और अपना प्यार ऐसे बनाए रखें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे अब आगे मे बी कैसे ट्रिप होते रहे। और तो घर जाके मिलती हूँ, ब्लॉग का एंड अभी नहीं करूँगी, हो सकता है अभी एक दो स्टॉपेज और हो जाए, लेकिन मेन अभी लंच करने के लिए रुक के इसके बाद सीधा घर आ ही जाएगा 4-5 घंटे बाद। ए गुड्डू इसको मिस करेंगे, इसको मिस करेंगे बाबू को। थाली खा लो, तो हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। और घर जाने की हालत देख लो कैसी है, आए थे तो क्या थे, और घर जाने का कितना गम हो रहा है ना, ये हमारी शक्लों से पता लग रहा होगा, है ना। यार बहुत ज्यादा ही सूरत से हो रहा है। और ये मेरा जीप ड्राइव कर रहे हैं, और ये दोनों पीछे बैठे हैं। तो बस 2 घंटे का सफ़र और, पर ये 5 दिन बहुत मज़ेदार रहे, बहुत बढ़िया रहे। आप लोगों के कैसे रहे? चाची हटा लो, बहुत बढ़िया, और बहुत एंजॉय किया। मैं तो अपना संभाल लूंगा। और सबसे ज़्यादा जो इन 5 दिनों में सबसे ज़्यादा दिन कौन सा बढ़िया रहा? वो ऋषिकेश वाला सबसे बेस्ट। तो अब घर पहुंच के ही मैं एंड करूंगी वीडियो का, तो बाकी खाते पीते मौज उड़ाते घर जा रहे हैं, और शक्लें तो हो ही गई है बेकार, जैसे अब घूम के नहीं थक के ही आए हैं। चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। वो पता क्या सोच रही है, यूं कर रही है साले, ये बोल तो रहा नहीं था, अब ये बोल कैसे रहा है? अब
हरिद्वार भी जाना इजी हो गया है, कितने सुंदर रोड बन गए हैं, सारा जाम वगैरह सब खत्म हो गया है। ये सब योगी जी के राज में है। यूपी का ये नज़ारा सही में बहुत अच्छे रास्ते बन चुके हैं अभी हाईवे। तो गाइस हमारा ट्रिप उत्तराखंड सीरीज समाप्त होने वाली है, हमारा घर आ गया है, आने वाला है। यार घर आते आते तो फेस ठीक हो गया, बीमारी वाली नहीं लग रही थोड़ी, तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा बट थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। बच्चों से मिलने की एक्साइटमेंट हो रही है, भाई को तो बुरा हाल करने वाला है ध्रुव। हाँ ध्रुव, और ये इसकी याद आएगी, वैसे तो हमारे पड़ोस में ही रहती है, मिलेंगे पर फिर भी जाना नहीं होता हमारा, है ना। चलो तो लास्ट टाइम बोल दो श्री गुरु महाराज की जय। हम सोसाइटी में घुस गए हैं, दिखाती हूँ मैं, जय रही हमारी सोसाइटी। भाई पूरा ट्रिप बीत गया, ये शीशा जी साहब, वो सारी वीडियो में यही आएगा। आ जाओ भाई अपनी सीट पे, अपनी गाड़ी की रास्ते बाय भारती। हाँ लाइक शेयर कमेंट जो ये हो गया, ये बोल रहे गुड्डू, बोल रहे गुड्डू, बाय बाय सोनू, बाय सोनू, बाय। हेलो नमस्ते बड़ी मम्मी, काय कोको अंदर है, कुकू मिलो बच्चो, अभी ना बंद कर देना गेट में, अच्छा। क्योंकि सामान निकालूंगी ना, गुका ओले 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 देख कैसे देख रहे मेरा बच्चू। शारी सब ले लिए सामान, मम्मी देखो ये कुत्ता आ गया एक, चलो ठीक है बाय 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 बाय, अपना बैग पकड़ बाय। चलो मेरी शेरी, मेरी शेरी, ओ मेरा बच्चा, हाँ आंटी मेरी बच्ची, हाँ हाँ आंटी बहुत बढ़िया, नहीं बच गई, गुड्डू वो देखो कैसे तड़प रहा है, ओ मेरा सोनू, अरे 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 अभी मत खोलो ये बात ना, हाँ बोल बोल, उहार जाए, अरे अरे नाखून भी तोड़ दिया, अरे नाखून तोड़ दिया भाई इस लड़के ने तो, अरे अरे बस कर, अभी बहुत थक चुकी हूँ, टाइम हो रहा है 12:15,
बच्चों से मिलने के बाद फिर मैं अपना फ्रेश वगैरह हुई, नहाई, हेड वॉश किया, बहुत गंदा मिट्टी वाला हो रहा था, और मम्मी के लिए रोटी वगैरह बनाई। तो अब सबने खाना वगैरह सब खा लिया है, ध्रुव सो गया है, बहुत थक रहा था, बट इसने खाना नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं है खाना खाने की, बात करने की, कुछ भी। मैंने सोचा बस व्लॉगिंग की एंडिंग कर दूँ, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको हमारी ये उत्तराखंड सीरीज़ पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि मुझे जल्दी से लाइव फीचर्स चाहिए जिसके लिए 1K सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्यार ऐसी बनाए रखिए। तो बाय, गुड नाइट, सब अपना ध्यान रखिए, और मैं तो बस यही विश करती हूँ कि ऐसे अच्छे अच्छे ट्रैवलिंग व्लॉग आते रहे। तो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।